Hello, good morning, I welcome you. So today we'll be talking about the pharma world. I have done a huge study in this, so let me tell you that pharma world is in big problem right now. Uske piche ka reason hai online market. Online pharmacies is the biggest competition for the retailers and wholesalers in the market. तो आपको मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ दैट कंपनी हमें प्रोवाइड करती है 30% का मार्जिन, जिसमें से 10% होलसेलर का रहता है, 20% का मार्जिन रहता है रिटेलर्स का. उसमें हमने एक डिस्काउंट प्रोसेस चालू किया जिसमें हम 6% डिस्काउंट दे देते हैं होलसेलर्स एंड 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेलर्स आज के डेट पे. तो हमारे पास बचता है होलसेलर्स के पास 4% मार्जिन एंड रिटेलर्स के पास 5% का मार्जिन. अगर ये 5% ऑफ 4% में अगर हम साल भर में 5 करोड़ का भी बिजनेस अगर करते हैं, विल बी गेटिंग ओनली 25 लैक्स. एंड ये 25 लैक्स में हमें हमारा टैक्सेशन भी देना है, हमें हमारे वर्कर्स को भी पेमेंट करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, हमें हर काम करना है. सो दिस इज़ नॉट इनफ अमाउंट फॉर अस कि हम अगर 5 करोड़ का भी बिजनेस करते हैं, हमारा सर्वाइवल मुश्किल है. अगर हमारा जितना टर्नओवर होगा, ऑब्वियसली वर्कर्स भी उतने लगेंगे, सो पेमेंट भी उतना बढ़ेगा. एंड ऑनलाइन मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है, ऑनलाइन मार्केट भी आज की डेट में 15-20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. उनके पास जो आज मार्केट कैपिटल है, उसके बेसिस पे वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके हमारा भी बिजनेस लेना चाह रहे हैं. सो आई एम जस्ट टेल यू दैट नेटमेड्स ओनर इज मिस्टर मुकेश अंबानी. 1MG मैक्सिमम इक्विटी रतन टाटा के पास है. इट्स टाटा 1MG नाउ, फार्मिजी, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एंड ये आज की डेट में दावा कर रहे हैं कि हम आपको 20% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे. ये ऑफलाइन मार्केट में भी अपना बिजनेस बनाना चाह रहे हैं. अब ये कैसे कर रहे हैं? हमारी एक चेन सिस्टम चलती है. डायरेक्ट हम कंपनी से लेते हैं होलसेलर्स, होलसेलर्स से लेते हैं रिटेलर्स, एंड रिटेलर्स देता है डायरेक्ट कंज्यूमर को. अब ये चेन में ये लोग डिस्ट्रैक्शन ला रहे हैं. ये रिटेलर्स के पास जा रहे हैं, रिटेलर्स को ये प्रोवोक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार विल बी गिविंग 30% का मार्जिन टू यू. आपको रिटेलर्स को 30% का मार्जिन देंगे ये उनसे खरीदने में. धीरे धीरे कर करके अगर आप लॉजिकली देखें तो धीरे धीरे अगर 30% का मार्जिन देंगे, आप होलसेलर से नहीं खरीदेंगे. आप होलसेलर से नहीं खरीदेंगे, उसका बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा, तो वो अपना बिजनेस बंद कर देगा. इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द टाइम, आफ्टर 2-3 ईयर्स, होलसेलर्स के रेशो कम हो जाएगा मार्केट में. जहाँ आज हमारे लिए मेडिसिन ईजिली अवेलेबल हो जाती है, हम नेगोशिएट कर पाते हैं प्राइस में, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे. होलसेलर्स ख़त्म. आफ्टर सम ईयर्स ये खुद का स्टोर डाल देंगे और ये रिटेलर्स को भी मार्जिन देना बंद कर देंगे और ये खुद के स्टोर्स में फ्री में भी दवाइयाँ बांट सकते हैं. मिस्टर मुकेश अंबानी, इफ़ यू जस्ट गो बैक, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोर देन 20 कंपनीज थी इंडिया में. विद इन 2-3 ईयर्स आज इंडिया में सिर्फ जियो और एयरटेल ही है, पिछले 3-4 सालों से. बाकी सारी कंपनीज का बिजनेस ख़त्म हो गया. तो आखिरी में अगर आज हम एक हार्ड स्टेप नहीं लेंगे, आज हमें ये कंपनीज को मना करना पड़ेगा, इनके ऑफर्स को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे से मार्केट बना रहे हैं. विद इन 10 ईयर्स पूरा मार्केट इनका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंपनियों का. तो उसके बाद जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ये MRP पे भी दवाई बेचेंगे. ये अभी लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बाद में MRP पे भी बेचेंगे और आप और हम भी इनसे MRP पे ही मेडिसिंस खरीदेंगे. ये हमारी मजबूरी हो जाएगी. तो अगर हमें 10 साल बाद का मार्केट आज बचाना है, तो हमें एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें ये कंपनी के ऑफर्स को डिनाई करना है. अगर आज हम ये कंपनीज के ऑफर डिनाई करेंगे तो ये उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाएंगे. अगर आज हमने ये ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एन इंस्टेंस आज अगर आपने ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया, विद इन 2-3 ईयर्स होलसेलर्स बंद हो जाते हैं, विद इन 5-6 ईयर्स रिटेलर्स का बिजनेस कम होने लगता है धीरे धीरे, उसके बाद आप क्या करेंगे? किराना बिजनेस ख़त्म हो चुका है. रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, डी मार्ट एंड बहुत सारे बिग बाजार, ये मार्ट आ चुके हैं, बिग बास्केट आ चुका है जो आपको एक पे एक फ्री देता है. हमारा उतना मार्जिन नहीं है जितना ये डिस्काउंट देते हैं. एक आशीर्वाद आटा पे एक आशीर्वाद आटा फ्री, ये इनकी स्कीम है जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. अगर आप कपड़े का बिजनेस डालेंगे, मिंत्रा में मैंने सेम कपड़े आधे प्राइस में ले लेना है, एंड ऑफ रीजन सेल में. आप जूते का बिजनेस डालेंगे, मैं शूज़ ले लूँगा मिंत्रा से, अमेजोन से ले लूँगा मैं. आप कटलरी का बिजनेस डालेंगे, मैं अमेजोन से खरीद लूँगा इन एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस.
मेडिसिनल मार्केट अभी एक ऐसा मार्केट है जो कंस्ट्रेन नहीं है, लेकिन आज अगर हमने एक बिग स्टेप नहीं लिया तो ये बिजनेस हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। किराना बिजनेस सैचुरेट होते जा रहा है धीरे धीरे, और हम नहीं चाहेंगे कि मेडिसिन का भी बिजनेस सैचुरेट होते जाए। नॉट बिकॉज कि हम मेडिसिन बिजनेस में हैं, हम फार्मासिस्ट इस बिजनेस में हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग पिछले सालों से सर्व करते आ रहे लोगों को और हमने कभी लोगों का गलत नहीं चाहा। बट बिकॉज अगर आज हम नहीं लड़ेंगे ये कंपनी के अगेंस्ट, तो ये कंपनीज एक दिन हमें ख़त्म कर देगी। सो इट्स बेटर टू फाइट अगेंस्ट दिस कंपनी, इट्स बेटर टू जस्ट रिजेक्ट देयर ऑफर्स। वी हैव टू बी टुगेदर। थैंक यू।